बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, आज हमने पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन देखना है वो सेक्शन 415 है, जो कि चीटिंग के बारे में। चीटिंग का मतलब है यानी दगा। तो हम पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखेंगे, फिर हम आम अल्फाज में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induce the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person or to or any other person in body, mind, reputation or property is said to cheat. देखें, अगर कोई इंसान किसी को धोखा देता है, यानी डिसीव करता है किसी दूसरे इंसान को, और फ्रॉडुलेंटली या डिसहोनेस्टली, जो कि सेक्शन 24 और 25 में हमें डिफाइन किया गया है। डिसहोनेस्टली मतलब हुएवर कॉजेज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू एनी अदर पर्सन, इज सैड कि ये डिसहोनेस्टली को काम कर रहा है। जो बंदा किसी को धोखा देता है किसी दूसरे इंसान को, और डिसहोनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली यानी कि बदनीति से या फ्रेब करके उसको इंड्यूस करता है, जिसको उसने दगा दिया है, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी आर टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी आर इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव्ड, या फिर जानते बूझते हुए इंड्यूस करता है उस पर्सन को जिसको उसने डिसीव किया है कि वो कोई एक्ट करे या फिर कोई ओमिशन करे, और उस एक्ट या ओमिशन की वजह से उसको या किसी और दूसरे शख्स को, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, तो कहा जाएगा कि उसने चीट किया है या उसने दगा दिया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाते हैं। अ डिसहोनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज़ अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इलस्ट्रेशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि दगा क्या होता है, यानी कि कोई शख्स जाहिर करता है अपने आप को कि वो सिविल सर्वेंट है, और इसके ज़रिए वो किसी बंदे को धोखा देता है, जानते बूझते हुए जेड को धोखा देता है, और फिर उससे बदनीति से या फिर फ्रेप करके उससे उधार पे कुछ चीज़ें ख़रीद लेता है, और उसका मकसद नहीं होता उसको पेमेंट करना बाद में भी, तो कहा जाएगा कि ए ने दगा किया है। ए बाय पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू अ बिलीव दैट दिस आर्टिकल वाज मेड बाय अ सर्टेन सेलिब्रेटेड मैन्युफैक्चरर एंड थस डिसहोनेस्टली इंड्यूस जेड टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल। ए चीट्स। ए जो है वो एक काउंटरफीट मार्क यानी जाली मार्क लगाता है किसी आर्टिकल पर, और जानते बूझते हुए डिसीव करता है ए को, इस ख्याल के लिए उसको ये यकीन दिलाता है कि ये जो आर्टिकल है ये फलां एक सेलिब्रेट मतलब है एक बड़े नामी ग्रामी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, तो फिर उसको डिसीव उसको डिसहोनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो उससे ये चीज़ ये आर्टिकल ख़रीद ले और उसको पे करे। तो ए ने चीट किया है, ए बाय एग्जिबिटिंग टू जेड अ फॉल्स सैंपल ऑफ एन आर्टिकल
intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample and thereby dishonestly induce Z to buy and pay for the article, A cheats. A, by tendering in payment for an article, a bill of a house with which A keeps no money and by which A expects that the bill will be dishonored, intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to deliver the article, intending not to pay for it. A cheats. A, by pledging as diamonds, ये important है मज़े का कि A जो है वो pledge करता है as diamonds article which he knows are not diamonds, intentionally deceive करता है Z को and thereby dishonestly induce Z to lend money. A cheats. यानी कि उसने उसको pledge करवाए कोई diamond करके, मतलब है कि diamonds हैं, हालांकि उसको पता था कि ये diamonds नहीं हैं, और फिर वो उसको intentionally deceive कर रहा है, धोखा दे रहा है जानते बूझते हुए, और उससे बदनीति के साथ dishonestly उसको induce करता है कि उसको वो कुछ पैसे उधार दे दे. तो ए ने चीटिंग की है. ए इंटेंशनली डिसीव दैट इनटू अ बिलीव दैट ए मींस टू रीपे एनी मनी दैट ही मे लेंड टू हिम एंड thereby dishonestly induces Z to lend him money. ए नॉट इंटेंडिंग टू रीपे इट, ए चीट्स. ए इंटेंशनली डिसीव इनटू अ बिलीव दैट ए मींस टू डिलीवर टू Z अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इंडिगो पेंट व्हिच ही डज नॉट इंटेंड टू डिलीवर and thereby dishonestly induce Z to advance money upon the faith of such delivery. A cheats. But if A at the time of obtaining the money intends to deliver the indigo paint and afterwards break his contract and does not deliver it, he does not cheat but is liable only to a civil action for breach of contract. A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of contract made with Z, which he has not performed, and thereby dishonestly induce Z to pay money. A cheats. A sells and conveys an estate to S. A knows that in consequence of such sale, he has no right to the property, sells or mortgage the same to Z. यानी किसी और बंदे को दोबारा उसने sell या mortgage कर दिया without disclosing the fact of the previous sales and conveys to B and receives the purchase or mortgage money from Z. A cheats. तो ये जो cheating है इसकी सज़ा हमारे पास section 417 में बताई गई है कि जो कि एक साल तक की सज़ा है और फाइन भी हो सकता है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं. दो दगा की जो सज़ा है किसी को दगा देने की वो एक साल तक की सज़ा है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों सज़ाएं हैं.